एक्चुअल जो मार्केट प्राइस है इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस है, तो इसको बोलेंगे करेक्टली वैल्यूड। इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लो। चलो हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान से सुनो, मेथड टू पे जा रहे हैं, ठीक है। मेथड टू में क्या हो रहा है पता है, वो बोल रहे हैं करेक्शन है, ये मेथड टू है यहां पे, ठीक है। इधर लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द आरआरआर एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, आरआरआर एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखो मेथड टू कंपेयरिंग आरआरआर एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है। अच्छा तो सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ना नोट्स में लिख लो पहले, सेल्फ नोट है सब। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाय प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, याद रखना। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाय प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, ठीक है। यूजिंग सीएपीएम, ये अपने बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको अच्छे से मार्क करके रखना। इसको है ना एकदम ऐसे बोलते हैं ना, इसको ऐसे ऐसे एकदम कलर कलर बना के रखना। क्यों मालूम है, ये ना डाउट आता है, बहुत सारा पढ़ लेते ना बहुत सारा, फिर उठ के आते लोग, अरे सर ये क्या था समझ में नहीं आया, समझा। अरे प्रोबेबिलिटी इनटू आर करते तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये अपने पहले से चल रहा है, बराबर ना। और यूजिंग सीएपीएम जो मिलता है, यूजिंग सीएपीएम वी गेट आरआरआर, यूजिंग सीएपीएम वी गेट
आरआरआर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आरआरआर, ये याद रखना। अब थोड़े देर बाद क्या होता है, लोग पीछे जाके देखते हैं सम्स, तो पीछे जाके देखने के बाद ऐसा समझ में आता है, अरे कभी कभी तो सीएपीएम से आप निकालते थे तो सर उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते थे, तो गलत है, समझ रहे हो? सीएपीएम से आपने जो निकाला ना, वो तो आप यहाँ पे बोल रहे हो यूजिंग सीएपीएम जो आ रहा है वो तो आरआरआर है, लेकिन आप तो उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते थे, बराबर ना? एक्सपेक्टेड रिटर्न और आरआरआर अगर दोनों सेम है, इसका मतलब सिक्योरिटी जो है वो करेक्टली प्राइज्ड है। तो हम अच्छे से तगड़ा बांध लो पूरा, है ना? तो अपने कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न और आरआरआर, तो अब तक ये भी नोट लिख लेते, नोट टिल दिस पॉइंट, नोट टिल दिस पॉइंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू आरआरआर वाज यूज्ड, इट मींस इट इज अज्यूम्ड दैट स्टॉक इज करेक्टली प्राइस्ड। द स्टॉक इज करेक्टली प्राइस्ड, ठीक है? तो थोड़ा वापस टाइम स्पेंड कर लेते हैं। जो हम लोग निकालते थे प्रोबेबिलिटी और रिटर्न को मल्टीप्लाई करके, उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं। सीएपीएम मॉडल से जो आता था उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। दोनों अगर सेम है, ऑल्टरनेटिवली यूज हो रहा है, बराबर ना, इसका मतलब स्टॉक करेक्टली प्राइस है, मतलब दोनों इक्वल है, बराबर है? ये अपने समझ गए। आगे सुनो, समझो, बहुत बार सेम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बार एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम नहीं है, ऐसा नहीं होता, बहुत बार सेम होता है तो ठीक है ना, हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, समझो डिविडेंड है, समझो डिविडेंड है, एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। समझो डिविडेंड है 10 का, ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका मैं इक्विलिब्रियम प्राइस, मैंने अभी बताया कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालेंगे गॉर्डन्स मॉडल से, बराबर ना? तो 10 को डिवाइड बाय 10% करता हूँ तो अपना प्राइस आ जाएगा 100 का। दिस इज वॉट यू आर विलिंग टू पे, दिस इज वॉट यू आर विलिंग टू पे, ऐसा समझो। आप, आपका इतना विलिंगनेस है, आप इतना पे करना चाहते हो, ठीक है ना? मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम है, इधर यही एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, समझे? अब मेरा सवाल है, अगर समझो, अगर जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है ना, एक्चुअल मार्केट प्राइस वो 80 हो गया, वो कितना हो गया, 80 हो गया, डिविडेंड आपका 10 ही है, डिविडेंड 10 ही है। अब मेरा सवाल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 10/80 × 100 कितना आएगा, 12.5%, 12.5%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, है ना? तो 100 होना चाहिए था, एक्चुअल प्राइस कितना है, 80। इसका मतलब अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, एग्जैक्टली, बाई करो, समझ में आ रहा है? मैं वापस एक बार बता रहा हूं, वापस एक बार सुनो ध्यान से, मैं वापस एक बार बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं कि डिविडेंड 10 था, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% था, मतलब इस बार सेम है, मतलब करेक्टली प्राइस होना चाहिए 100 का, बराबर है? अगर समझो
एक्चुअल मार्केट प्राइस 80 है, एक्चुअल मार्केट प्राइस 80 है, तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा 12.5, सॉरी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा 12.5, जबकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10% था, बराबर ना। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन द रिक्वायर्ड रिटर्न, तो हम क्या देख रहे हैं 100 पे कि 80 पे, 80 से नीचे आ गया मतलब अंडर वैल्यूड है, मतलब उसको क्या करेंगे बाई करेंगे, समझ में आ रहा है। डिविडेंड 10 का है, डिविडेंड 10 का है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है एक्चुअल मार्केट प्राइस सॉरी 125 पे चले गया, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 10/125 बोलो कितना 8%, कितना 8%, समझे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो गया, लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, 8% है, रिक्वायर्ड 10 था, इसका मतलब स्टॉक क्या है 100 का 125 मतलब ओवर वैल्यूड है, मतलब क्या ओवर वैल्यूड है, क्या करना चाहिए सेल, बराबर है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ समराइज कर लेंगे, सिचुएशन एक्सपेक्टेड रिटर्न ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न RRR, तो अंडर वैल्यूड, तो बाई करना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न लेस देन RRR ओवर वैल्यूड लिख लो, सेल करना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू RRR जो अब तक कर रहे थे, मतलब क्या करेक्टली वैल्यूड करेक्टली प्राइस्ड, इसको होल्ड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाँ बोलो, अच्छा कर लो, ये भी कॉपी करना है, ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, और कहीं पर भी कोई भी फ्री मील्स तो होता नहीं है ना, कि बैठ गए और सब मिल गया, वरना तो सारे के सारे सब करते थे ना,
ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना पास होने के लिए ना 50 इज द रिक्वायर्ड, बराबर ना, पास होने के लिए 50 इज द रिक्वायर्ड। और अपने पेपर देने के बाद है ना, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो अलग होता है, समझे ना, दो अलग अलग चीज है, दोनों सेम नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक इसमें ही आगे नोट्स में कंटिन्यू करते हैं। देखो नोट्स में, एक काम करो, डायग्राम बना लो, एक डायग्राम बना दे, अच्छा वाला ट्राई करते हैं, मस्त वाला डायग्राम बनाओ। अब इसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, देखो टाइम स्पेंड करते हैं के साथ, समय बिताने से चीजें अंदर घुस जाती है। सुनो, समझो, याद दिलाता हूं अपना, ऐसा कुछ तो लाइन था एसएमएल का, याद है, और ये अपने ऐसे आरएफ था, याद है ना, एसएमएल था और आरएफ था। इसको मैं लिखता हूं आरएफ, सुनो ये ना, ये यहां पर जितना इसका, ये यहां पर बीटा था, बीटा था, बात को समझो, अगर ये इसका बीटा है यहां पर, ठीक है, ये इसका बीटा है यहां पर, तो मेरे हिसाब से ये बीटा पे, इस बीटा लेवल पे, इस बीटा लेवल पे ये इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए था। एम आई राइट? करेक्ट है, ये आपका आरआरआर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए था। मैं बीटा वन बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका बीटा है, कुछ तो बीटा है मुझे मालूम है, स्टॉक का या पोर्टफोलियो का, तो ये उसका आरआरआर होना चाहिए, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर यहाँ है, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, बराबर ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। स्टॉक कहाँ लाई कर रहा है? स्टॉक एसएमएल के ऊपर लाई कर रहा है, स्टॉक एसएमएल के ऊपर लाई कर रहा है, बराबर ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, रिक्वायर्ड रिटर्न कम है ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड रिटर्न कम है, रिक्वायर्ड रिटर्न कम है, शब्दों में मत फंसो, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके हिसाब से ज्यादा है, बराबर ना, आपके हिसाब से ज्यादा है, जो आप कैलकुलेट करते हो ना प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, वो ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो स्टॉक है ये क्या है, बोलो, अंडर प्राइज्ड है,
अंडर प्राइज्ड है, जो भी ऊपर है वो अंडर प्राइज्ड है, समझे क्या? सेम चीज, सेम चीज। सेम चीज बाद में कॉपी कर लेना, करवाता हूँ। ये और एक डायग्राम बना लिया अपने, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं। इस बार ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ कहीं है, यहाँ यहाँ, तो ये एसएमएल के नीचे लाई करेगा इस बीटा पे, है ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है, रिक्वायर्ड रिटर्न आर आई सी ए पी एम से ज्यादा, इसका मतलब ये क्या है, ओवर प्राइज्ड है। तो इससे क्या समझा, अगर एसएमएल के ऊपर जितने भी स्टॉक्स लाई करते हैं बराबर ना, वो अंडर प्राइज्ड है, और एसएमएल के नीचे जितने भी लाई करते वो क्या है, ओवर प्राइज्ड है। एसएमएल के ऊपर जितने प्राइस लाई करते हैं स्टॉक्स वो अंडर प्राइज्ड है, जितने नीचे है वो ओवर प्राइज्ड है। कॉपी कर लो, हाँ कॉपी कर लो। आ सकता है एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए डायग्राम। सुशोभीकरण करते हैं, ऐसा लगना चाहिए ना स्कूल गए करके। चलो हो गया, नीचे वाला कॉपी करेंगे। अच्छा कॉपी करो करो करो, आराम से आराम से। थैंक यू। नीचे वाला, हाँ चलो नीचे वाला बनाओ।
डन, ठीक है। सुनो, अभी क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका टास्क है ट्राई करने का, ठीक है? ध्यान में आया? तो ये आप ट्राई करो। Thank you.